चेहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड। रात भर ना घोड़ा बेच के सोया कि एसी फुल रहा, ये भी चार्ज हो गया, ये भी इसको भी बंद नहीं कर पाए, ये भी टीवी भी रात भर चालू रहा, सारे लाइट्स भी रात भर ऑन रहे। मतलब ऐसी गहरी नींद मुझे तो टेंट के अंदर भी नहीं आती जितना यहाँ आ गया। जब सुबह उठ के देख रहा हूँ तो सब कुछ चालू है। एनीवे अभी मैं थोड़ा सा टेलीफोन करता हूँ उनको और 9 नंबर से चाय मंगाता हूँ। क्या शरीर इस प्राउड, इसमें सारी चीज आ जाती है। मतलब वो बोलते हैं ना मॉर्निंग में 2-3 घंटे ही खड़े रहते हैं। इतना फेमस है? हाँ इतना फेमस है ये, सिर्फ आनंद में। आनंद में ओके। आप चाय पिए सर? मैंने भी लिया, मेरा सब नहीं, आप पीजिए ना, बहुत नहीं, है एक्स्ट्रा है वो तो ठीक है। मैं चाय नाश्ता सब कुछ करके आऊँ सर। इस प्राउड लाए हैं सर, मैं इनको टेस्ट कर रहा हूँ कैसा है। शर्मा जी का स्प्राउड अच्छा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो मेरे जेएनयू में बनता था तो ऐसे यूं ही इतनी आबादी को खिलाना है जैसे जैसे बना के दे 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 दे। मैं चुकंदर भी मिलाया हुआ राइट। हाँ। अच्छा लग रहा। और इसके साथ केला भी देता था वो, केला अंडा खाता था उसके। नाश्ता वास्ता हो गया, अब सर जो है मुझे यहाँ से अलविदा कहेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आनंद में आनंद दिलाने के लिए, आपने जो किया मैं जीवन भर याद रखूंगा। सर आप हमारे शहर में आए, हमें मिले, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे ही सबसे मिलिए, सबसे आप मजे करिए, सबको ये मौका दीजिए। बिल्कुल सर, थैंक यू, बाय बाय सर, टेक केयर सर। एक तुम ही नहीं तन्हा, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो मेरा सारा काम काज अब हो चुका है। नाश्ता हो गया फिनिश, चाय वाय पी लिया, सर से मुलाकात हो गई, सर से बातचीत भी हो गई। सर अपने ऑफिस की तरफ चले गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस तकरीबन 3,000 रुपये एक रात का है, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए फ्री रहा। कभी कभी मुझे टेंट में भी सोना पड़ता है, तो जैसा देश वैसा भेस बनाना पड़ता है अपने आप को। फिलहाल वीडियो में भागिएगा नहीं, कंटिन्यू रहिए, इधर उधर न जाइए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। ये वो होटल था जहाँ हम रहे हैं। बहुत आभारी हूँ आप लोगों ने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दी। आपका होटल ऐसे ही फलता फूलता रहे, मेरी यही शुभकामनाएँ हैं सर। थोड़ा सा एक शिकायत रह गई कि आप थोड़ा एक्सेस लेवल बना देते, रैंप बना देते तो ये मेरा मिशन कामयाब हो जाता। पर खैर कोई बात नहीं, लिफ्ट है, नीचे जाना पड़ेगा, फिर नीचे से ऊपर आना पड़ेगा।
तो ये थोड़ा अगर आप ऊपर भी बना दें तो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास काफ़ी स्पेस है। हाँ बिल्कुल, आप अपने जो मैनेजर हैं उनको बोले मेरे बनाने के बाद एक फ़ोटो खींचकर मेरे पे सेंड कर दीजिए। ये मेरा लॉन्ग वीडियो यूट्यूब पे, बाकी शॉर्ट्स वीडियो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो जब भी आप कभी आनंद आएँ तो ये होटल, होटल का नाम बीच पार्क होटल, आनंद विद्यानगर में है। यहाँ पे ठीक बगल में ही विद्यानगर रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक सामने है ये वाला होटल। यहाँ पे रूम आपको बहुत अच्छे अच्छे रूम मिल जाएंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और 27 हसन इमाम। अमूल डायरी, ये वो फैक्ट्री है पीछे देखो, वो फैक्ट्री है। यहाँ पे एंट्री मिलेगी आपको 2 बजे के बाद। अंदर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारी। आपने बचपन से ये सुनते आए हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये अमूल दूध एक्चुअली यहीं से बनता है और यहीं से पूरे भारत और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। अमूल दूध पीता है इंडिया, यहीं से अमूल की शुरुआत हुई थी और आज अमूल पूरे दुनिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ा दूध प्रोडक्शन करता। आनंद में मुझे बहुत आनंद आया और अब यहाँ से अलविदा कहने की घड़ी आ चुकी है। व्हीलचेयर में हवा कम गया, कितना है? 30 है। पैसा लीजिए, आपका बिजनेस है ना? नहीं क्यों, क्यों कारण? कारण देखो यार, गुजरात में लोग ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नेशनल हाईवे 48। चार्ज में खाना खाने के लिए, ये इतना बड़ा थाली क्या करूँगा यार। मैं बता देता हूँ, ये है चावल, ये है पनीर की सब्ज़ी और ये है दाल। काफ़ी महंगा है गुजरात में खाना, महंगा हो या सस्ता हो। रात के 10:30 बज रहे हैं गाइस, अभी भी अहमदाबाद नहीं पहुंचा हूं। रिफ्लेक्टर वाला शर्ट पहन चुका हूं और अहमदाबाद अभी भी 30 किलोमीटर दूर है। मेरी धन्नू की बैटरी डाउन हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वापस चार्ज करना पड़ा। चार्ज करने के बाद फिर से मैं चल रहा हूं। अब चलिए, सफ़र रात का भी जारी है। पहली बार मैं पूरे भारत यात्रा में अब तक पहली बार रात को सफ़र कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। रात को मैं किसी भी कीमत पर आप लोग से गुजारिश करते हैं कि रात को सफ़र ना करें जब आप इस तरह की यात्रा कर रहे हैं। तो आपको भी यात्रा कर रहा हूँ गाइस, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, क्या पता पीछे से कौन आके ठोकते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, कैसे जाना है यार। आस पास किसी भी प्रकार का पेट्रोल पंप नहीं है, सबसे हैरानी की बात।